हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सतीश फिर से एक बार स्वागत करता हूं आप सभी को मेरे चैनल जिप्सी फैमिली में। मैं अभी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पे हूं और हम आज दिल्ली में 6 दिन रुकने के बाद में आज मुंबई के लिए निकल रहे हैं। आज 7th डे है। सुबह हम लोगों ने 5:30 बजे जो हमारा गेस्ट हाउस जहाँ पे हम रुके थे वहाँ से निकले हैं और अभी टाइम हो रहा है 7 बजे। धूप आ चुकी है और ये हम एक्सप्रेसवे में करीब करीब 20 किलोमीटर चल चुके हैं। सुबह की मौसम काफ़ी अच्छी है, ठंड थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सोंधी सोंधी सी है। ये मेरे पीछे नेशनल हाईवे एक्सप्रेसवे जो दिल्ली से मुंबई के लिए अभी ओपन हुआ है, न्यू वाला, आप देख सकते हैं। तो आज का हम लोग का जो टारगेट है उदयपुर तक का रहेगा। हो सके अगर ज़्यादा जा सके तो ट्राई करेंगे आगे जाने के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए एक नए सफ़र में आप सभी को ले चलते हैं हम जिप्सी फैमिली में। थैंक यू फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर दिल्ली टू मुंबई रिटर्न रोड ट्रिप। अभी हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लिए हैं हाईवे पे। कम से कम 50-60 किलोमीटर चलने के बाद में एक रेस्ट एरिया है, एक पेट्रोल पंप भी ऑपरेशनल है वहाँ पे। तो वहाँ पे एक ब्रेक लिया हम लोगों ने और यहाँ से अभी निकल रहे हैं आगे के लिए। तो अभी तक के लिए जयपुर मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है। उदयपुर का जो अराइवल बता रहा है वो 4:15:49 मतलब 5 बजे का लगभग बता रहा है। हम ट्राई करेंगे उससे आगे तक का सफ़र के लिए आगे भी चलें, क्योंकि जितना आज कवर कर सकते हैं कल के लिए हमारा उतना अच्छा रहेगा। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं हमारे साथ में मुंबई तक का ये जर्नी में। 2 दिन का रहेगा आज और कल मिला के। तो फ्रेंड्स चलिए एंजॉय कीजिए हमारे साथ। फिर से एक छोटा सा ब्रेक। अभी टाइम हो रहा है 9:59, नहीं मैं गलत बोल गया, 9:15। तो चाय वगैरह पीने के लिए एक ब्रेक लिया था हम लोगों ने। यहाँ से निकल रहे हैं अभी। रास्ते में थोड़ा बारिश जैसा माहौल बना के रखा है। पता नहीं बारिश होगी कि नहीं होगी वो तो मालूम नहीं, लेकिन बादल छाए हुए हैं। ये रेस्ट रूम था, रेस्ट एरिया था। तो यहाँ से हम लोग अभी निकाल रहे हैं। तो इस हाईवे में काफ़ी कुछ अच्छा किया गया है। अगर आप ड्राइव करोगे तो इसमें नो डाउट आप एंजॉय करने ही वाले हो। कितना बड़ा एरिया देखिए, पार्किंग, काफ़ी सारा पार्किंग है। बाकी सारे फैसिलिटी रहेंगे यहाँ पे, रेस्टोरेंट्स वगैरह रहेंगे, फ्यूल स्टेशन्स रहेंगे, गैस स्टेशन्स रहेंगे, हॉस्पिटल रहेगा, इवन कहीं कहीं पे ट्रॉमा सेंटर भी रखा गया है। प्लस रूम्स वगैरह भी अवेलेबल हो सकते हैं इन फ्यूचर जब ये फुल्ली फंक्शनल हो जाएगा। तो अगर किसी को रेस्ट लेना चाहेंगे कोई तो वो रेस्ट भी ले सकते हैं। यहाँ पे 2 बड़े-बड़े टैंक ला के डाल दिया गया है, शायद कोई गैस स्टेशन पेट्रोल पंप आने वाला है यहाँ पे, उसके लिए टैंक्स ऑलरेडी आ गए हैं। हमें रास्ते में बहुत सारे कुत्तों के डेड बॉडी मिली। कुत्ते बीच में से घुस के आ जाते रास्ते में, फिर गाड़ी के नीचे आ जाते।
हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिर रही है अभी, शायद आगे बारिश होने वाली है या हो रही है, शायद हो रही है बारिश। रोड के साइड में जो मेडियन के में जो ये फूल लगे हैं ना लाल कलर के, क्या खूबसूरत दिख रहे हैं, और लोग उसके अंदर घुस के सेल्फी ले रहे हैं। वो आदमी सेल्फी ले रहा है, मुझे लगा कोई पुतला वहाँ पे बुद्ध बैठा हुआ है, लेकिन देखा तो वो सेल्फी ले रहा है। क्या बात है, लोगों को भी शौक है ना, अजीब अजीब होते हैं। तो दोस्तों, इंद्रदेव हमारे ऊपर आज प्रसन्न हो गए, इसके लिए बारिश के बूंदों के साथ में हमारा स्वागत किया बीच रास्ते में। जो हल्की हल्की बारिश थी, थोड़ी सी तेज हो गई है, आगे और ज़्यादा तेज होने की आसार दिख रहे हैं। वैसे चलते हैं, क्या होता है देखेंगे, ज़िंदगी का नाम ही चलते रहना है, तो हम भी चलते ही रहेंगे चाहे कितना भी मुश्किल आन पड़े। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है दिन के 11, सुबह के 11 बोल सकते हैं आप, और कम से कम आधा घंटा पहले हम लोग एक्सप्रेसवे छोड़ के NH-23 में आ गए हैं। अभी हम NH-23 में जा रहे हैं और आगे NH-52 में ये मिल जाएगा, मतलब ये चला जाएगा, हम 53 में चढ़ जाएंगे लेफ्ट के तरफ, उदयपुर की तरफ। वो कोटा होते हुए हमको उदयपुर लेके जाएगा, एग्जैक्टली कोटा नहीं जाएगा, कोटा से थोड़ा पहले मतलब 50-60 किलोमीटर पहले से हमको राइट टर्न लेना पड़ेगा उदयपुर के लिए। और उदयपुर अभी मेरे हिसाब से 350 किलोमीटर के आसपास बाकी है, तो चलिए देखते हैं हम लोग का क्या प्लान। अभी तक कुछ बना नहीं है, हम लोगों ने कुछ बुकिंग वगैरह किया नहीं है, ऐसे ही रैंडमली चलते जा रहे हैं। तो देखेंगे कहाँ तक पहुँच सकते हैं, रुकना कहाँ है, कैसे रुकना है, वो सब आपको अपडेट करता रहूँगा मैं आगे। अभी के लिए तो हमारे पास में कोई प्लानिंग नहीं है, तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं फिर। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और आपका जो एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्रिप्शन है ना, उससे हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। तो गाइज प्लीज़ हमें मोटिवेट करते रहिए, और ऐसे ही आपका प्यार हमें देते रहिए। थैंक यू सो मच। यहाँ पे भी फ्रेंड्स देखिए, ये कागज़ के फूल बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, पता नहीं ये राजस्थान में हर जगह में यही लाल वाले फूल ही देखने को मिल रहे हैं मीडियन के ऊपर, लेकिन ये चार चांद लगा रहे हैं रास्ते की खूबसूरती को और भी। क्लाउडी है वेदर, सूरज लुक्का छुपी खेल रही है बादलों के बीच में, सूर्यदेव आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो मज़ा आ रहा है। गर्मी नहीं है, गर्मी तो वैसे भी यहाँ पे इस साइड में तो ठंडी अभी भी है, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि धूप नहीं है तो गाड़ी अब खड़ा भी कर दो कहीं पे तो गर्म नहीं हो जाता है, तो वो एक बेनिफिट है। ड्राइविंग और बारिश दोनों का आनंद लेते हुए देखिए फ्रेंड्स, क्या खूबसूरत, धूप भी है हल्का हल्का और बारिश भी हो रही है, मजा आ रहा है सही में।
तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग नेशनल हाईवे 52 को छोड़ देंगे और आगे से स्टेट हाईवे 26 पे आ जाएंगे। ये सामने वाला सीधा आप जाओगे तो सीधा जो रोड है ये कोटा की तरफ जाती है, NH 52। तो हमको कोटा नहीं जाना है, तो यहाँ से हम लोग ये स्टेट हाईवे में आ जाएंगे। कोटा यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर के आसपास है। पुलिस वाले चेकिंग कर रहे हैं, पुलिस वालों की चेकिंग चालू है और हम पुलिस वालों को भेजते हुए आगे जाएंगे। गाड़ी चल रहा है और धर्मपत्नी जी हमारे मजाक उड़ा रहे हैं, वीडियो बना बना के मामा ले पीछे बैठ के हंस रही है मेरे ऊपर। बैठी तो नहीं है वो, लेटी हुई है महारानी के जैसे चादर ओढ़ के। फ्रेंड्स, हम लोग जस्ट उदयपुर में एंट्री कर लिए हैं। ये मेन मतलब उदयपुर सिटी मेन नहीं है, लेकिन ये आगे टनल आएगा, टनल क्रॉस करने के बाद में जो उदयपुर सिटी वो आ जाती है। ये जो हाईवे देख रहे हैं यहाँ से अगर आप राइट जाते हैं तो माउंट आबू के लिए ये रोड चली जाती है। तो यहाँ से होके आप माउंट आबू जा सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो हम लोगों का भी प्लानिंग है कभी आने का फुर्सत में, दो चार दिन हाथ में लेके। अच्छा एक्सपीरियंस रहता है माउंट आबू का। अच्छा, उदयपुर के बारे में बता दूं, बहुत ही प्यारा शहर है, झीलों का शहर बोला जाता है इसको। और झीलों के अंदर ही पैलेसेस वगैरह हैं। तो लेकिन विडंबना है इस शहर की कि लास्ट टाइम जो एक दिन मैंने रुका था, हम लोगों ने 3-4 चक्कर लगाए थे उदयपुर का, लेकिन यहाँ पे मैंने एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं देखा। इतना बड़ा सिटी, बहुत सारे ट्रैफिक है, लेकिन एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं देखा मैंने। और कोई भी गली में आप गुजर जाओ, दवाइयाँ का दुकान आपको कम दिखेंगे और वाइन शॉप्स बहुत ज़्यादा दिखेंगे। मतलब लाइन से हर तीसरा चौथा या पांचवा दुकान, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि वाइन शॉप रहता है। ट्रैफिक की हाल भी बहुत, मतलब इतना सही नहीं है, लोग कहीं से भी घुसाते हैं, कहीं से भी चले जाते हैं। उस हिसाब से देखेंगे ट्रैफिक का वॉल्यूम एंड रोड भी कहीं कहीं पे पतले पतले हैं, तो ट्रैफिक सिग्नल्स तो रहना ही चाहिए। वो चीज़ मुझे थोड़ा खटका, मेरा ओपिनियन है वो। बाकी आप लोगों को क्या कैसा प्रतीत होता है उसके बारे में मैं नहीं बोल सकता।
हम लोग अभी उदयपुर क्रॉस करके 20-25 किलोमीटर आगे आए हैं और यहाँ पे रुके हैं एक शगुन रेस्टोरेंट करके है, वहाँ पे डिनर करने के लिए। अभी टाइम हो रहा है 7:45। ऑर्डर हो गया हमारा, दाल भी मंगाया हम लोगों ने, एक पनीर चिल्ली मंगाया और ममली के लिए एक चपाती। तो हम लोग ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे हैं, ऑर्डर हमारा बन रहा है, प्रिपेयर हो रहा है, अभी आ रहा है। उसके बाद में हम खाने के ऊपर टूट पड़ेंगे क्योंकि हम लोगों ने लंच नहीं किया था। तो हालांकि खाते पीते आ रहे थे, इतना भूख नहीं है, फिर भी देखते हैं, आने दीजिए फिर आपको बताते हैं। ममली बेचैनी से उसका खाने के लिए इंतज़ार कर रही है और धर्म पत्नी जी आज यूजुअल फ़ोन पे गप्पे लड़ा रही हैं, उनका काम ही वही है। रेस्टोरेंट अच्छा है, ठीक ठाक है, जैसे कि आप देख सकते होंगे नीटनेस है यहाँ पे। तो चलिए हमारा खाना आने दीजिए, हम खा के फिर यहाँ से निकलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग को मैं आज सुबह एंड कर रहा हूँ क्योंकि कल रात को हम लोगों को काफ़ी लेट हो गया था। एक्चुअली हम 10:30 को मड़ासा में पहुँच गए थे, लेकिन जिस होटल मैंने स्टे इन बुक किया था वहाँ पे जाने के बाद में वो कहानी कुछ और ही निकला। रूम्स वगैरह बिल्कुल भी क्लीन नहीं थे, वो जगह कुछ एकदम से खंडहर जैसा दिख रहा था। तो हम लोगों ने वहाँ से वापस आ गए और ये हाईवे के पास में ही एक होटल सनशाइन करके है, वहाँ पर रात में रुक गए थे। तो कल तक, कल का जर्नी बहुत ही अच्छा था। ब्रेकफास्ट और लंच हम लोगों ने स्किप किया था, तो डिनर हम लोगों ने अर्ली कर लिया था 7:30 के आसपास उदयपुर के पास में। और यहाँ से अभी हम लोग फिर मुंबई के लिए निकलेंगे, तो वह एक दूसरा ब्लॉग मैं स्टार्ट करूँगा। तो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए फ्रेंड्स मैनी थैंक्स, ऐसे ही हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए अभी तक आपने नहीं किया तो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट।